हेलो गैस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी कहाँ पे खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जिसका आप यूज करके यहाँ पे अपने कैरेक्टर को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे गायब कर पाओगे। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे यहाँ पे कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे गायब हो चुका है। और आप ही मेरी पिंग भी यहाँ पे देख सकते हो, मेरी पिंग भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है। और जैसे आपका फ्रेंड इस चीज को यहाँ पे देखेगा, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपका कैरेक्टर यहाँ पे इनविजिबल यहाँ पे कैसे हो गया। सो गाइस, वीडियो का एंड तक आप जरूर से देखना, और अगर चैनल पे यहाँ पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि जो स्टेप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टर को करने के लिए। तो आपको पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गेम को यहाँ पे बंद कर देना है। जैसे आप गेम को यहाँ पे बंद कर दोगे, फिर आपको अपने फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे जाओगे, फिर आपको एंड्रॉइड वाला फोल्डर यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो आपको इस एंड्रॉइड वाले फोल्डर में यहाँ पे चले जाना है। इस वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाटा नाम का यहाँ पे फोल्डर देखने मिल जाएगा। तो आपको इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे चले जाना है। तो अगर जैसे आप इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे फोल्डर देखने मिल जाते हैं। जैसे पे नीचे तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, फिर आप देखना आपके पे दो फ्री फायर के यहाँ पे फोल्डर देखने में लेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे दोनों फ्री फायर है, नॉर्मल और मैक्स, तो आप इस स्वेटर को किसी फ्री फायर के साथ ही आराम से पकड़ सकते हो। तो इस टाइम मैं आपका फ्री फायर नॉर्मल के साथ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपके इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे चले आना है, अंदर तरफ जाने फिर आपके फाइल्स वाले फोल्डर पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटेंट कैच वाले फोल्डर पर यहाँ पे टैप कर देना होगा। और जैसे पे करोगे, फिर आपको कंपलसरी वाले फोल्डर पर टैप कर देना है। सो गाइस, कंपलसरी वाले फोल्डर पर टैप करने का फिर आपको अंदर तरफ यहाँ पे चलते जाना है। और जैसे वो अंदर तरफ यहाँ पे जाते जाओगे, फिर आपको गेम एसेट नाम का फोल्डर मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे फोल्डर देखने मिल जाएंगे। तो आपको पे क्या करना है, आपको अवतार नाम का फोल्डर मिल जाएगा। तो आपको इस सारे फोल्डर के ऊपर यहाँ पर टैप करना है। जैसे पर टैप करोगे, फिर आपको अंदर तरफ यहाँ पे फाइल देखने मिल जाएगी। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस वाली फाइल को कहीं पे भी जाके हमें मूव कर देना है। तो जैसे मैं इस वाली फाइल को यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ, और कट करके मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं इस वाली फाइल को कहीं पे भी जाके आराम से मैं मूव कर सकता हूँ। बस आपको यहाँ पे बात कर रखना है, आपको इस वाली फाइल को बिल्कुल भी यहाँ पे डिलीट नहीं करना, नहीं तो यार जो ट्रिक है आपके यहाँ बिल्कुल यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इस वाली फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गेम को दोबारा से खोल लेना होगा। और जैसे आप गेम को खोल लोगे, फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक भी पार्ट यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ। और जैसे यहाँ पे गेम के अंदर यहाँ पे जाओगे, फिर आप देखना जो आपके पे करेक्टर होगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे इनविजिबल यहाँ पे हो जाएगा। और यह जो चीज़ है काफ़ी देर पे खतरनाक लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे बाकी सारे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन मेरे जो यहाँ पे करेक्टर है वो पूरी तरीके से इनविजिबल यहाँ पे हो चुका है। तब आपको पे क्या करना है, आप इस एडिटर का किसी मोड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सोशल लैंड वाली जगह पर यहाँ पे चले जाता हूँ, जैसे मैं अंदर तरफ यहाँ पे जाऊँगा, फिर आप देखना जो मेरे यहाँ पे करेक्टर होगा वो अभी भी आपके पे इनविजिबल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और जैसे आपका फ्रेंड इस चीज़ को यहाँ पे देखेगा, वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपका करेक्टर पूरी तरीके से गायब कैसे हो गया। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद आप सर्वबोर्ड भी यहाँ आराम से यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं है कि यार जो ट्रिक बच्चे सोशल लैंड वाली जगह पर यहाँ पे काम करती है, इस वाली ट्रिक को आप किसी मोड के अंदर यहाँ पे कर सकते हो। और गाइस, अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक को यहाँ पर ड्राइव करोगे, तो आप ये देखना जो आपकी भी गाड़ी या बाइक होगी वो यहाँ पर कुछ ऐसा लगती है जैसे कि यहाँ पे गोश्त यहाँ पे उस गाड़ी या बाइक को यहाँ पे चला रहा हो। और यह जो चीज़ें भी काफ़ी देर पे अमेजिंग लगती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ट्रिक को करने के बाद आप लोन और फाल मोड में भी यहाँ पे जा सकते हो। और जैसे लोन और फाल मोड में जाओगे, फिर आपको वहाँ पे भी यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने लोन और फाल मोड के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरे पे करेक्टर है वो अभी भी आपको इनविजिबल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यह जो चीज़ भी काफ़ी यहाँ पे खतरनाक सी लगती है। तो अभी हमने अपने करेक्टर तो यहाँ पे इनविजिबल यहाँ पे कर लिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप अपने करेक्टर को यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कैसे कर सकते हो। तब आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, आपको अपने करेक्टर का वापस यहाँ पे नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको दोबारा से यहाँ पे फाइल मैनेजर वाली जगह में यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, जहाँ पर आपने अपनी फाइल को पेश करा था, आपको इस वाली फाइल को दोबारा से यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको पे क्या करना होगा, आपको दोबारा से फ्री फायर वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे चले जाना है। और जैसे ही फ्री फायर वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे चले जाओगे, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने अपनी फाइल को यहाँ पे कट करा था, आपको उसी जगह पर अपनी फाइल को यहाँ पे पेश कर देना है। और जैसे आप अपनी फाइल को यहाँ पे पेश कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गेम को दोबारा से खोल लेना है। और जैसे आप गेम को यहाँ पे खोलोगे, फिर आप देखना जो आपके पास कैरेक्टर होगा वो पूरी तरीके से वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो बस आप भी सारी चीज़ को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। सो बस अगर आप यहाँ चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना। और अगर आपके वाले जो वीडियो यहाँ पे पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। सो बस मिलते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।